आई स्क्रेच योर बैग, यू स्क्रेच माइन, यानी आप थोड़ा मुझे फेवर करेंगे, मैं आपको फेवर करूंगा। बॉलीवुड में यही फेवरबाजी की रिवायत चलती है और आजकल हर एक्टर एक दूसरे को सपोर्ट प्रमोट करता है, इसी उम्मीद से कल के दिन उसको भी उसी सपोर्ट प्रमोट की दरकार होगी। बहरहाल इन दिनों सोशल मीडिया पर सलमान खान सनी देओल की एक फोटो इंटरनेट पर जम तरीके से वायरल की जा रही है और कहा जा रहा है ये बॉलीवुड का नया दोस्ताना बनकर उभरेगा। सलमान खान सनी देओल को बहुत पहले सपोर्ट करते नजर आ चुके हैं, ये बात हम जानते हैं। यहाँ तक कि गदर 2 की इनिशियल सक्सेस में कोई उनके साथ नहीं खड़ा था, पूरा बॉलीवुड गदर 2 की सक्सेस से चौंक गया था। सिर्फ सलमान खान थे जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया, सनी देओल को बधाई दी और 2.5 किलो के हाथ की पावर बताई। इसके बाद तो बॉलीवुड में हर कोई सनी देओल की तारीफ में निकल पड़ा और गदर 2 ने इतिहास रच दिया। लेकिन सलमान खान ट्रू दोस्त थे, हैं, ये बात सलमान खान ने साबित की थी। अब बारी सनी देओल की थी। सनी देओल ने भी सलमान खान की टाइगर 3 को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया और स्क्रैच बैक माइन के सपोर्ट पर उन्होंने बहुत अच्छी फोटो अपलोड की है जहां पर वो सलमान खान को अपनी बाजुओं में जकड़े नजर आ रहे हैं। उनकी ये फोटो कैप्शन बहुत शानदार है। इसी फोटो के कैप्शन ने बहुत सारे स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। एक्चुअली कैप्शन में लिखा है सनी देओल ने जीत गए, यानी उन्होंने कहा टाइगर 3 के जो कलेक्शन है वहां पर विनिंग कलेक्शन कह सकते हैं, प्लस गदर के कलेक्शन में विनिंग कलेक्शन थे। और मजे की बात थी कि दोनों इससे पहले जीत मूवी में काम कर चुके हैं। उसी जीत को टैगवर्ड बनाते हुए सनी देओल ने लिखा जीत गए और जो फोटो डाली वो फैंस का दिल जीत रही है, फिर चाहे वो सलमान खान के फैन हो या सनी पाजी के। बहरहाल इस मामले में लोग नए कयास भी लगा रहे हैं। जिस तरह सनी पाजी ने जीत वर्ड को हाईलाइट किया है, कहीं ना कहीं वो इस बात को हिंट मार रहे हैं कि आगे चलकर दोनों जीत के सीक्वल में नजर आएंगे। और हो भी क्यों ना, आजकल मोस्ट ऑफ द मूवीज डिसाइड हो रही फॉर अ सीक्वल ऑफ फ्रेंचाइजी या फिर स्पाई यूनिवर्स कॉफी यूनिवर्स के फॉर्मेट में। हर कोई मूवी को ब्रांड बनाकर बनाना चाह रहा है। गदर ने भले 22 साल बाद गदर 2 बनाई हो, लेकिन पब्लिक का क्रेज देखकर लगता है कि मूवी की सीक्वल फ्रेंचाइजी को लेकर पब्लिक आज भी नॉस्टैल्जिक हो जाती है। सलमान खान भी अपनी फिल्मों की रीमेक करते रहते हैं, सनी भी, अक्षय भी, ऐसे में दोनों ने जीत वर्ड को जिस तरह हाईलाइट किया है, लगता है आने वाले टाइम में सलमान खान सनी देओल को लेकर जीत बनाई जाएगी। वैसे भी कॉफी विद करण की बात हो या फिर दूसरे शोज, दोनों जगह पर सलमान खान सनी देओल एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और अच्छे बुरे वक्त का साथी बताते हैं। सनी देओल बहुत कम टाइम पर सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, बहुत ही लिमिटेड पर्सोना के इंसान है, लेकिन गदर 2 की सक्सेस के बाद वो धीरे धीरे घुलने मिलने लग गए हैं बाहर से, मीडिया से, प्रेस से। जिस तरीके से सलमान खान की भांजी को सपोर्ट करने के लिए सनी देओल परिवार के साथ पहुंचे, उसे देखकर लगता है दोनों की बॉन्डिंग वक्त के साथ मजबूत होती जा रही है। ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए बहुत जल्दी जीत का सीक्वल बने और जीत 2 के तौर पर हम सलमान खान सनी देओल के दोस्ताने को नए तेवर में, नए क्लेवर में देखें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।